सचदेव यूपीटी कॉलेज में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आत्म आंकलन हेतु टेस्ट श्रृंखला आयोजित की गई। यहां विद्यार्थियों का उत्साह वर्धन कर प्रतियोगी परीक्षा में अधिकतम अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता पात्रे शामिल हुए। विद्यार्थियों ने अपने डाउट्स क्लियर करते हुए डॉक्टर संगीता पात्रे से सीधा संवाद किया। अंचल की सबसे ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्थान सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज लगातार विद्यार्थियों को बेहतर अध्ययन करा उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाने प्रयासरत है और समय समय पर प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों का आत्म आकलन भी कर उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार कर रहा है। इसी कड़ी में टेस्ट श्रृंखला सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में आयोजित की गई। यह विद्यार्थियों का उत्साह वर्धन करने स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता पात्रे विशेष रूप से शामिल हुए। यहां उन्होंने टेस्ट श्रृंखला में उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया, साथ ही सीधा संवाद किया। टेस्ट श्रृंखला को लेकर डॉक्टर संगीता पात्रे ने अपनी प्रतिक्रिया दी तो वहीं कॉलेज के डायरेक्टर चिरंजीव जैन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। मतलब अपने ही संस्थान से पढ़कर मुख्य अतिथि बनना तो किसी को भी बहुत अच्छा लगेगा और हमारे अच्छे लगने से ज़्यादा इन बच्चों के लिए हम प्रेरणा स्रोत की तरह काम करेंगे और अपने एक्सपीरियंस उन लोगों के साथ शेयर करना, उन लोगों के साथ अपने डाउट्स शेयर करना ताकि वो आगे देखिए जनरेशन वाइज हमें कभी ना कभी तो आगे निकलना है, इन बच्चों को हमें रिप्लेस करना है तो वो हमारी जो सीख है हमारी जो समझ है उनको लेकर आगे चले। बस ये सारी बातें शेयर करना बच्चों से बहुत अच्छा लगा। बेसिकली बच्चों का ये डाउट था कि पढ़ाई को किस तरह से की जाए क्योंकि ये बहुत लास्ट टाइम चल रहा है इन लोगों के नीट प्रिपरेशंस का, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल था उन लोगों का कि किस तरह से तैयारी की जाए। तो देखिए हमारे सब हम लोग तो मोबाइल फ्री वाले एरा के हैं और अभी जो बच्चे हैं वो मोबाइल वाले एरा के हैं। हमारी सोशल लाइफ उन लोग की जितनी ज़्यादा नहीं थी, उन लोग की सोशल लाइफ बहुत एक्सपेंडेड वे में है तो हमारी सोशल लाइफ बहुत सीमित मात्रा में थी। हमारे दोस्त कम थे, हमारे वर्चुअल फ्रेंड्स कम थे, लेकिन उसका एक साइड इफ़ेक्ट हम लोगों को ये भी था कि हमारे पास पढ़ने के सोर्सेज भी कम थे। जैसे हम भिलाई में थे तो हम वही चीज़ें जान पाते थे जो भिलाई से में आसपास में जो होता था, जो हम किताबें बुक्स जो भिलाई में अवेलेबल थी। बट इन बच्चों के पास एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि उनको ऑल ओवर इंडिया की सारी किताबें इंटरनेट पर ऑनलाइन पर मिल जाता है, ऐसे फ्रेंड्स मिलते हैं जो बड़े शहरों में हैं डिस्कशन के लिए, तो वो उसको किस तरह से अपने एजुकेशन अपनी पढ़ाई में पॉजिटिव चीज़ों को लेकर नेगेटिव चीज़ों को हटा सकें इस बारे में उनको जानकारी देने की कोशिश करी है। देखिए मैं जब कोचिंग संस्थान में आई थी, सर से मिली थी, मेरी मम्मी और मेरे चाचा जी सबसे पहले मिले थे और मैं थोड़ी परेशान भी थी कि मेरा पहले साल में मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हुआ था और हमारी आर्थिक स्थिति ठीक भी नहीं थी। बट सर ने जिस तरह का संबल दिया, जिस तरह का सपोर्ट दिया, चिरंजीव जैन सर ने जिस तरह का सपोर्ट दिया, जिस तरह का संबल दिया, तो कहना चाहिए कि वो जो एक पहला स्टेप होता है ना, मतलब आप कहीं किसी जगह पे खड़े होते हो तो आप छोटे छोटे कदम लेते हो, तो जो मेरा पहला स्टेप था वो सर के कारण था, चिरंजीव जैन सर के कारण था, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, हमेशा रहूँगी। देखिए आज 8वें टेस्ट का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारी पूर्व छात्रा संगीता पात्रे, डॉक्टर संगीता पात्रे आज उपस्थित है इन बच्चों को प्रेरित करने और संबोधित करने के लिए। संगीता पात्रे 2003-04 बैच के हमारे स्टूडेंट थी और आज हम समझ रहे हैं 2023 चल रहा है, तो एक बच्ची 20 साल पहले हमारे यहाँ आई और सेलेक्ट हुई और उसके बाद उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया, उन्होंने गायनोकोलॉजी में एक्सपर्टीज़ किया और आज एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का संचालन कर रही है और कहीं पर भी ये महिला रोग विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित रहती हैं। और इसके अलावा इन्होंने एक बार पहले भी चर्चा में कहा कि ये उस स्थान पर भी पहुंच जाती है जहां पर कि जैसे कि इन्होंने जिक्र किया था कि कुमारी के आसपास कुछ बंजारे लोग उनकी बस्तियां हैं तो वहां भी ये अपने निःशुल्क चिकित्सा के लिए पहुंचती हैं। तो आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि ऐसा बच्चा जो आज समाज को कुछ दे रहा है, आज भिलाई का एक जाना माना नाम है, इसी भिलाई से ये पढ़ी है और इसी भिलाई में ये सेवाएँ दे रही हैं, तो आज मेरे लिए बहुत खुशी का विषय है कि मैं अपने ही बच्चे को, अपने ही स्टूडेंट को आज मुख्य अतिथि के रूप में बुला रहा हूँ और उन बच्चों के लिए बुला रहा हूँ जो आज फिर से इसी तरह तैयारी में लगे हैं, इसी तरह एग्जाम में लगे हैं। टेस्ट श्रृंखला में उच्च अंक पाने वाले विद्यार्थियों ने अपने अनुभव मीडिया से साझा किए। तो पुष्पा है क्या? फर्स्ट टाइम है, मैं टॉप की हूँ तो अच्छा लगा, उनसे मिलकर एक मोटिवेशन मिला तो अच्छा लगा कि जैसे मैम अपना स्टोरी सुनाई तो अच्छा लगा कि
हम भी ऐसा कोई स्टोरी बनाएंगे और बाद में किसी को ऐसा सुनाएंगे। यहाँ बता दें कि सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज ने अनोखी पहल पूर्व में करते हुए अपने ही संस्थान में अध्ययनरत, जो कि पूर्व में यहाँ पर अध्ययन कर चुके हैं और आज कहीं अन्य जगह पर अपनी सेवाएं चिकित्सा के क्षेत्र में दे रहे हैं, उन्हें आमंत्रित कर संस्थान के छात्र छात्राओं को उत्साहित करने का प्रयास किया है। इसी के तहत डॉक्टर संगीता पात्रे को आमंत्रित किया गया और विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन उन्होंने किया। बहरहाल विद्यार्थी अपने ही संस्थान में अध्ययन कर चुके विद्यार्थियों को अपने बीच पाकर काफ़ी उत्साहित नजर आए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।